उद्योग श्रम एवं रोजगार तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने बहु तकनीकी संस्थान में राज्य स्तरीय 24वीं अंतर बहु तकनीकी खेलों के शुभारंभ के पश्चात धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हिमाचल प्रदेश में लघु व बड़े उद्योग खोलने की अपार संभावनाएं हैं और यहां उद्योग स्थापित करके बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है जिसकी सारी औपचारिकताएं पूरी करके प्रदेश सरकार को भेज दी गई हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल के उद्योगों में हिमाचलियों को 70% रोजगार उपलब्ध करवाने के आदेश उन्होंने जारी कर दिए हैं। इसकी अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस संदर्भ में वह समय समय पर अधिकारियों के साथ बैठकें करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि चंबा में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए वहां पर सीमेंट प्लांट लगाने के लिए सरकार ने टेंडर आमंत्रित किए हैं, लेकिन इसमें सिंगल टेंडर ही आया था जिसके चलते अब दोबारा टेंडर किए जा रहे हैं और अतिशीघ्र सीमेंट प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रसोई गैस, पेट्रोल व डीजल की बढ़ रही कीमतों पर अतिशीघ्र लगाम लगाकर लोगों को राहत प्रदान की जाएगी। ये जो आपने विषय लिया है कि कांगड़ा के बारे में, आपके ध्यान में रहना चाहिए कि हमारे जिला कांगड़ा के अंदर एक बहुत ही बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कंदरोड़ी विकसित हो रहा है। आने वाले कुछ समय के बाद वहां पर काफी इंडस्ट्री वहां पे आएगी। उसका मूल रूप से कारण यह है कि एक तो वहां पे रेलवे कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, और उसके कारण से जो आपके इंडस्ट्रिस्ट हैं उनका झुकाव है वहां पे। उसके साथ साथ कुछ इंडस्ट्रियल एरिया जो पहले से ही एस्टेब्लिश हैं, लेकिन वहां पर किसी न किसी प्रकार की समस्याओं से वो इंडस्ट्रियल एरिया जूझ रहे हैं, उसमें आपका कांगड़ा भी आता है। नए इंडस्ट्रियल एरिया की जहां तक बात करें, एक नया इंडस्ट्रियल एरिया जिला कांगड़ा के अंदर चनोर में विकसित किया है। कल ही उसकी फाइल गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश को गई है सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद। इसलिए दो नए इंडस्ट्रियल एरिया तो यहां पे विकसित हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिन इंडस्ट्रियल एरियाज की हालत ठीक नहीं है, बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया जो बड़े लंबे समय से वहां पर काम करने वाले लोगों ने जिस काम के लिए वो इंडस्ट्री ली थी, वहां पे वो इंडस्ट्री नहीं चल रही है, और इसके अलावा वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मूल सुविधाएं वहां पे मिलनी चाहिए वो उनसे वंचित भी है। आपके ध्यान में रहे, आने वाले दिनों में लगभग इसी महीने के अंदर ऐसा हो सकता है, आपको भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक दिन के लिए मैं यहीं पर ही आने वाला हूं, सभी लोगों से बैठ के बातचीत करना और जो जो यहां की मूल समस्याएं हैं उन मूल समस्याओं के बारे में सुनना, समझना और समाधान करना। सर, एमएनसी भी कंपनी जो है वो यहां पर अप्लाई कर रही है? कहाँ पे जी? नहीं, अभी उसका स्ट्रक्चर तैयार किया है, अभी तक हमने उसको एडवर्टाइज नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमारा विभाग, हमारे सेक्रेटरी, हमारे डायरेक्टर, जो बड़ी कंपनीज है जैसे आप कह रहे हैं एमएनसी की बात कर रहे हैं आप, उनके संपर्क में है। हमारा ये सोचना है कि यहाँ पर कोई बड़ा घराना एक बड़ा उद्योग लगाएगा तो यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलेगा। बोल रहे हैं चंबा में जो सीमेंट प्लांट लग रहा है, उसमें आपके ध्यान में विषय रहने चाहिए कि पहले जो सीमेंट प्लांट लगते थे और जो अब सीमेंट प्लांट लग रहे हैं, उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस में बड़ी भारी चेंज आई है, लेकिन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने उन सारी जो गाइडलाइंस दी है उनको फुलफिल किया है। और आपके ध्यान में रहना चाहिए कि उसका हमने टेंडर भी कर दिया है, लेकिन दुर्भाग्यवश विषय ये आया है कि टेंडर जो है उसमें केवल सिंगल पार्टी आई है, इसलिए हमें अब उसका रीटेंडरिंग करनी चाहिए। जो विभाग है उसकी तरफ से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं, जमीन को चिन्हित कर लिया गया है, वहां पे सारी की सारी चीजें पूरी हैं, केवल वहां पे सिंगल पार्टी आई है, इसके कारण से हमें रीटेंडरिंग करनी पड़ रही है। हमने तो नहीं तो इन 15-20 दिनों के बाद वहां पे शिलान्यास करवा देना, तो इसलिए थोड़ा डिले होगा, एक डेढ़ महीना और लगेगा। सर, हाल ही में